प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो आज की वीडियो दोस्तों सभी बीएसटीसी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि आज की सारी डिटेल से वीडियो में जो है काउंसलिंग के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। काउंसलिंग क्या होती है दोस्तों, प्री डीएलएड 2022 की काउंसलिंग कब शुरू होगी, साथ ही साथ में जितने भी अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, ठीक है ना, काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं ताकि काउंसलिंग के समय आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में काफी सारे अभ्यर्थियों ने यह भी मैसेज किए हैं कि कितने नंबर पर, ठीक है ना, कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। साथ ही साथ दोस्तों फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग में जो है कॉलेज मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों काउंसलिंग से रिलेटेड आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है, तो बिना किसी देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों बीएसटीसी का अगर आप बात करें, ठीक है ना, बीएसटीसी के रिजल्ट की बात करें दोस्तों, रिजल्ट इसका आउट हो चुका है और सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं कि कब इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट के, ठीक है ना, पिछले एग्जाम की बात करें जो 2022 का, जो 2021-22 का जो बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी रिजल्ट के बाद। या इस बार की बात करूं दोस्तों, 1 सप्ताह के अंदर आपका जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एग्जैक्ट डेट के बारे में बताऊं तो दोस्तों 10 नवंबर से पहले आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों बात करें काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में, काउंसलिंग क्या होती है, देखिए दोस्तों आपका रिजल्ट तो आउट हो चुका है, ठीक है ना, आप सभी को अपने मार्क्स पता चल गए होंगे, लेकिन दोस्तों आपका कॉलेज में श्योर सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना, कौन सी कॉलेज में आप बीएसटीसी करोगे उसका पता लगाने के लिए दोस्तों आपको काउंसलिंग में हिस्सा लेना पड़ता है। उसके लिए दोस्तों आपको 3,000 रुपये की एक फीस पे करनी पड़ती है कॉलेज के अंदर, ठीक है ना। जब आप काउंसलिंग में हिस्सा लोगे तो कॉलेज की तरफ से ही आपको 3,000 रुपये की फीस पे करनी पड़ेगी, जिसके आधार पर अगर आपका काउंसलिंग में नंबर आता है तो उसमें आपको कॉलेज का नाम दिया होता है कि कौन सी कॉलेज में आपको जो है बीएसटीसी अलॉट हुई है, बीएसटीसी का कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उसके आधार पर ही आपको काउंसलिंग करवानी पड़ती है। और दोस्तों काफ़ी सारे अभ्यर्थी 5.33 लाख ने एग्जाम दिया है, जिसमें से देखिए 3 से 4 लाख अभ्यर्थी तो काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे ही लेंगे, तो उन सभी में से दोस्तों आपको अपना नंबर लाने के लिए जो है काउंसलिंग में हिस्सा लेना पड़ेगा। 25,000 अभ्यर्थियों को इसमें जो है मौका दिया जाएगा, क्योंकि सीटें इतनी ही है, तो जितने भी अभ्यर्थी काउंसलिंग करवाएंगे उसमें से 25,000 अभ्यर्थियों का ही नंबर आने वाला है। तो ये तो बात होगी दोस्तों काउंसलिंग के बारे में। अब काउंसलिंग करवाने के लिए आपको पूर्व में ही, ठीक है ना, पूर्व में ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेने हैं ताकि काउंसलिंग के समय आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करने पड़े। तो चलिए दोस्तों आप काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स की बात करें, यहाँ पर देखिए मैंने डिटेल से बता रखा है बीएसटीसी काउंसलिंग की, ठीक है ना, बीएसटीसी काउंसलिंग के ऊपर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। देखिए रिजल्ट की हार्ड कॉपी, सबसे पहले रिजल्ट की हार्ड कॉपी, आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, कितने मार्क्स आए हैं उसकी एक हार्ड कॉपी, या कहे रिजल्ट का आपको प्रिंट निकाल लेना है, 1 या 2 कॉपी उसकी निकाल लेनी है, ये आपको तैयार रखना है। उसके अलावा दोस्तों आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है उसकी भी फोटोकॉपी आपको तैयार रखनी है, वो भी काम आएगी काउंसलिंग के समय। उसके बाद जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है उसका भी आपको जो है दोस्तों 2 फोटोकॉपी निकाल लेना है काउंसलिंग से पहले। अगला दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पर काफी सारे अभ्यर्थियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है जाति प्रमाण पत्र के मामले में। अब क्यों दोस्तों, तो बताऊं दोस्तों जाति प्रमाण पत्र आपका 6 माह से पुराना आपका नहीं चलेगा, ठीक है ना, जिस समय कॉलेज आपको अलॉट होगी उससे 6 महीने अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना है तो दोस्तों वो वैलिड नहीं होगा। तो अगर आपने नया जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो दोस्तों जल्दी से, मैंने पहले भी बताया कि पहले से ही जाति प्रमाण पत्र तैयार रखना है, ठीक है ना, क्योंकि अगर अब आप जाति प्रमाण पत्र बनाओगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र बनाने में दोस्तों 10-15 दिनों का टाइम लगता है, तो अब बनाना मुश्किल होगा। जिन अभ्यर्थियों ने पहले से ही बना लिया है तो उनको शुभकामनाएं हैं। तो जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपको तैयार रखना है। उसके अलावा दोस्तों मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपके साथ पास में होना चाहिए, हालांकि ये कितना भी पुराना हो चल जाता है, इसमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपका है आधार कार्ड, आधार कार्ड आप सभी के पास होना चाहिए, और आधार कार्ड में दोस्तों आपकी जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेटेड होनी चाहिए, यानी कि जो आपका नाम है, जो आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आधार कार्ड में अपडेट दे रखे हैं, जो भी दे रखे हैं वो दोस्तों अपडेटेड होनी चाहिए, यानी कि नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया तो वो भी करवा लेना ताकि आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट्स आपको 2-2 फोटोकॉपी के साथ तैयार रखने, ताकि जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाए तुरंत आप काउंसलिंग में हिस्सा ले पाए और 3,000 रुपये पे करके आप दोस्तों काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है ना।
अब काफी सारे अभ्यर्थियों ने यह भी मैसेज किया है कि सर काउंसलिंग में जब हम हिस्सा लेते हैं ठीक है ना, तो काउंसलिंग की जब लिस्टें निकलती है तो 3-4 लिस्टें इसकी मैक्सिमम निकलती हैं। तो जब पहली लिस्ट में हम काउंसलिंग करवाते हैं और पहली लिस्ट में हमारा नंबर नहीं आता है, पहली लिस्ट में हमारा नंबर नहीं आता है, तो क्या दूसरी लिस्ट में अपना नंबर लाने के लिए फिर से काउंसलिंग करवानी पड़ती है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको एक बार में ही काउंसलिंग में हिस्सा लेना है। अब पहली लिस्ट में आपका नंबर आता है, दूसरी लिस्ट में आता है, तीसरी लिस्ट में आता है या फिर चौथी लिस्ट में आता है, वो तो आगे की प्रोसेस है ठीक है ना। वो तो वो कॉलेज वाले देखेंगे कि किस लिस्ट में आपका नंबर आता है, लेकिन आपको काउंसलिंग में एक बार में ही जो है पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है। अगर पहली लिस्ट में आपका नंबर आ जाता है तो कोई बात नहीं है, वरना आपको दूसरी, तीसरी और चौथी लिस्ट तक वेट करना पड़ता है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी का दोस्तों जो अच्छे नंबरों के साथ गृह जिले में जितने भी 400 450 के आसपास बन रहे हैं उनको दोस्तों डाइट कॉलेज मिल सकती है ठीक है ना। डाइट कॉलेज के बारे में पूछा, डाइट कॉलेज क्या होती है? तो दोस्तों बीएसटीसी की जो सरकारी कॉलेज होती है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक जिले में दोस्तों एक डाइट कॉलेज आपको मिलती है, एक सरकारी कॉलेज मिलती है। तो काफी कम अभ्यर्थियों को दोस्तों सरकारी कॉलेज मिलती है, क्योंकि हर जिले में एक ही सरकारी कॉलेज होती है, बाकी सारी प्राइवेट होती है ठीक है ना। तो कॉलेज आपको मिलने ही वाली है, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट कॉलेज जिनको मिलने वाली है उनको शुभकामनाएं, प्राइवेट वालों को भी शुभकामनाएं। तो काउंसलिंग प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तुरंत आपको सूचित कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोज आप तक पहुंच पाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक लेते अलविदा, धन्यवाद।